तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो ईसीएस टीटन क्रीफील्ड लीग का आज के दिन का तीसरा और चौथा मैच और टूर्नामेंट का भाई तीसरा और चौथा ही मैच जो कि खेला जाएगा यहाँ पर आचेन राइजिंग स्टार्स वर्सेज यहाँ पर बेयर्स स्पार्टन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ भाई जो इस लीग का पहला मैच अभी चल रहा है ना, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, वो हमारे लिए ऑलमोस्ट अल्ट्रा क्लीन स्वीप जा चुका है। उसके स्क्रीनशॉट, विनिंग स्क्रीनशॉट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा आफ्टर सम टाइम जैसे ही मैच कंप्लीट हो जाएगा। तो मैच भाई काफी शानदार गया और वहां पर भाई जो हमारे लिए डिफरेंशियल पिक थे उन्होंने काफी अच्छा वर्क किया। और अब अगर बात करें इस मैच की तो भाई बहुत ही शानदार मैच है, लेकिन भाई दोनों टीम्स का पहला मैच है इस टूर्नामेंट में, तो भाई मैं आपको यह चीज जरूर रिकमेंड करूंगा कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अपने रिस्क पे करना और बहुत ही कम करना स्टार्टिंग के, जब तक सभी टीम का एक एक मैच कम से कम ना हो जाए, एक एक दो दो मैच, तब तक भाई आपको दो दो मैच का वेट करना है, उसके बाद भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो एक बार भाई आपको मतलब थोड़ा सा अगर आप सबर करके रखोगे ना तो ये मेरी गारंटी है आपका लॉस नहीं होगा, बट अगर आप पेशेंस के साथ नहीं खेल पाते हो तो भाई फिर आप यहाँ पर फैंटेसी फील्ड में गलत आ गए भाई, यहाँ पर पेशेंस की सख्त जरूरत है। वहीं अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर अगर बात करें तो डेट रहने वाली भाई आज की यानी कि 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे। और भाई सुबह से मैं दूसरी तीसरी वीडियो बना रहा हूँ और लगातार हर वीडियो में इंडिपेंडेंस डे विश कर रहा हूँ, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक बार फिर से भाई आप सभी लोगों को। और अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब मुझे विश नहीं किया यार, मैं आपको विश कर रहा हूँ, तो कॉमेंट करके आप भी मेरे को विश कर सकते हो, रिप्लाई सभी भाइयों की मिलेंगी मेरी गारंटी है। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर टाइमिंग की तो शाम को 4 बजे पहला मैच और 6 बजे दूसरा मैच, यानी कि अब से लगभग लगभग 3 घंटे बाद या 2 घंटे 30 मिनट बाद मैच खेला जाएगा पहला मैच। जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 मिनट ही बचे होंगे। अब अगर बात करें वेन्यू की तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो बेयर उरेडिन क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला जो कि क्रिफील्ड में। अब यहाँ पर अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों को अच्छी खासी हेल्प मिलेगी, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली एडवांटेज में बैट्समैन से रहेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट है। बात करें अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो फर्स्ट कमेंट में पिंड कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो जरूर से जाके भाई ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर आगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तो सबसे पहले आचेन राइजिंग स्टार्स की बात करेंगे तो अहमद शिरजाद की बात करेंगे, 9 मैच इन्होंने खेले, 3 विकेट निकाल पाए, ठीक ठाक प्लेयर है, जीएल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा। अखिल सुगाथन की बात करें इनके स्टेट्स भाई मिले नहीं है। असीम मुस्ताबा की बात करें तो इनके भाई हमारे पास अभी स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके भाई स्टेट्स नहीं मिलेंगे आपको, तो मैच तभी तो बोल रहा हूँ भाई काफ़ी रिस्की रहेगा, स्टार्टिंग के 1-2 मैच में सिर्फ जीएल ट्राई कीजिए, स्मॉल लीग में ना के बराबर इन्वेस्ट कीजिए। वहीं अगर बात करें बिलाल यूसुफ जाई मास्टर पिक रहेगा, 6 मैच में 70 रन 3 विकेट। वहीं अगर बात करें नीचे जो धवल गोवानी है इनको अगर बात करें तो अगेन भाई यहाँ पर स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। दीपांकर बैनर्जी 6 मैच में 5 विकेट इंपॉर्टेंट प्लेयर, ट्राई कर सकते हो। इजाज आसमी सीवीसी का अच्छा 17 मैच में 353 रन 24 विकेट, गजब का प्लेयर। फहाद खान की बात करें 25 मैच में 232 रन 22 विकेट, अगेन एक शानदार प्लेयर, मास्टर पिक। फहीम जान की बात करें 9 मैच में 203 रन, तीनों के तीनों आपके लिए मास्टर पिक रहेंगे। 1, 2, 3 प्लेयर यहां से मैं हो गए। नीचे अगर बात करें तो इमरान फैजल को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते, इमरान अफजल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, 1 मैच खेला 40 रन प्लस 2 विकेट है। यहां पर अगर बात करें बिलाल यूसुफ जाएगी तो भाई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये 4-5 प्लेयर यहां से इजिली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बेयर स्पार्टन्स की बात करें तो यहाँ पर अली उल्ला की बात करेंगे, 1 मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला। अल्ताफ अहमद 12 मैच में 73 रन है, ठीक ठाक प्लेयर, ट्राई कर सकते हो। अरसलन सिद्दीकी मास्टर पिक रहेगा, 6 मैच में 102 रन इन्होंने बनाए। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बशरत अहमद की तो मास्टर पिक रहेगा, 6 मैच में 4 विकेट और यहाँ पर 63 रन है। वहीं अगर बात करें गौहर सुल्तान तो भाई इनके यहाँ पर आप देख सकते हो 37 मैच में 29 विकेट है और गजब का प्लेयर है, टीम का मेन बॉलर है। हुमायूं भट्ट की बात करें 9 मैच में 174 रन, मास्टर पिक रहेगा। इसके अलावा नीचे अगर बात करें तो भाई मुबासर अहमद के भी स्टेट्स नहीं है, इजाज अहमद के भी स्टेट्स नहीं है और फैजल लोडी के भी स्टेट्स नहीं है, 3 ऐसे प्लेयर जिनके स्टेट्स नहीं है। नीचे मुस्तफ़ा जो उलक है इनके भी हमारे पास स्टेट्स नहीं है। मोहम्मद आसिफ की अगर बात करें तो 7 मैच में 133 रन इन्होंने बनाए, हालांकि विकेटलेस गए हैं, बॉलिंग भी कभी कभी करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए कौन रहेंगे,
तो जो मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे अरसलन सिद्दीकी, बशरत अहमद आपके लिए रहेंगे, गोहर सुल्तान, हुमायूं बट, और यहाँ से अगर बात करें तो मोहम्मद आसिफ, ये पांच प्लेयर आपके लिए भाई मस्ट पिक यहाँ से रहने वाले हैं। ठीक है, मोहम्मद आसिफ, हुमायूं बट, गोहर सुल्तान, बशरत अहमद और अरसलन सिद्दीकी। ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी मैं आपको प्लेयर बता देता हूँ एक बार, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो आप देखिएगा, जो इमरान अफजल है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, फ़हीम जान, फहद खान, इजाज आशमी, ये चार प्लेयर तो यहाँ से हो गए। दीपांकर बनर्जी को आप ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा ये बिलाल यूसुफ को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात करें भाई डेमो टीम की, तो वो मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी प्लेयर्स के स्टैट्स आपको दिखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको कन्फ्यूज करेंगे, उनका सलेक्शन हाई रहेगा, लेकिन भाई हाई सलेक्शन के बाद भी उनका जो मतलब परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर, ना ही स्टैट्स अच्छे, तो भाई उनको हम ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए इमरान अफजल सिर्फ भाई यहाँ पर 14% सलेक्शन, और भाई हमारे लिए मस्ट पिक रहेगा। ग्रैंड लीग में भाई आप इसे कैप्टन बनाइएगा। बाकी प्लेयर को देखिए, एक तो स्टैट्स के बेस पर टीम मिलेंगे, एक बैटिंग ऑर्डर के बेस पर। बैटिंग ऑर्डर भाई आफ्टर टॉस, आफ्टर लाइनअप्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल भाई जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो भी टीम दे रहा हूँ इसमें चेंजेस हो सकते हैं। दोनों टीम्स का पहला मैच है, तो बड़ी बात नहीं है कि चेंजेस आपको होते दिखे। यहाँ पर अगर बात करें सैजब खान को आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं ट्राई नहीं करूंगा। हुमायूं बट हमारे लिए मस्ट पिक रहेगा। अभी के लिए दोनों प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से अगर बात करें तो इजाज अहमद को आप ट्राई कर सकते हो, अरसलन सिद्दीकी मस्ट पिक रहेगा। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आप जो वरुण रेड्डी, इनको ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। नीचे अगर बात करें तो भाई यहाँ पर एम मुजावता को आप ट्राई कर सकते हो, बट ऐसे भाई प्लेयर ज़्यादा हमारे पास अच्छे यहाँ पर है नहीं। ठीक है, जो प्लेयर्स अच्छे हैं उनका यहाँ पर भाई बैटिंग ऑर्डर में नाम नहीं है, तो यहाँ पर भाई हमें तीन प्लेयर लेने, तो वो कौन कौन से लेने हैं थोड़ा सा भाई यहाँ पर आपको देख के लेना। यहाँ पर भाई एक तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर भाई इजाज अहमद को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, इसके अलावा भाई यहाँ से बी रेड्डी को ले लेता हूँ। यहाँ से अगर बात करें एफ जैन हमारी टीम में मस्ट पिक रहेंगे, इसके अलावा बी अहमद हमारी टीम में रहेंगे। नीचे अगर बात करें तो मुबासर अहमद को आप ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा भाई यहाँ पर मोहम्मद आसिफ मस्ट पिक रहेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके अलावा अब आपको यहाँ से एक जो छोटा सा रिस्क आपको लेना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ई आशमी और एफ खान, ये दो आपके लिए ऐसे प्लेयर है जो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक को तो आप बशरत अहमद की जगह पर आप अपनी टीम में ले सकते हो, ठीक है, और ई आशमी को अगर आपको ट्राई करना है तो फिर भाई देखिए अब यहाँ पर देखिए एक तो बैटिंग ऑर्डर और प्लेयर्स की मैनेजमेंट, यहाँ पर भाई हमें सिर्फ चार ही ऑलराउंडर ले सकते हैं, वो भी जब जब हमें एक विकेट कीपर लेंगे, तो यहाँ से भाई ई आशमी अब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ से आप देखिए डी बनर्जी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, गोहर सुल्तान तो मस्ट पिक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ओ शिरजाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे अगर बात करें तो एम उलक को आप अपनी टीम में रख सकते हो, या फिर भाई यहाँ से एक बार मैं देख लेता हूं कि दीपांकर बनर्जी, बिलाल यूसुफ जाई, दोनों में से कोई अगर आपको दिखे तो आप ट्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा नीचे चलेंगे तो इनकी तरफ से मेन बॉलर कौन है भाई, इनकी तरफ से गौर सुल्तान को हमने ट्राई के लिए, बशरत अहमद है यहाँ से एक इनकी तरफ से मेन बॉलर, तो बशरत अहमद को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बिलाल यूसुफ जाई को अभी के लिए मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो उस्मान सिरजाद को अभी के लिए ड्रॉप करेंगे, और इसकी जगह पर भाई आप एक अच्छा बॉलर यहाँ से ट्राई कर सकते हो, जो कि भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको एन खुशदेल यहाँ पर भाई नहीं तो जेड असमारी। अब यहाँ पर देखिए जो अभी के लिए मेरी टीम है ना वो भाई यहाँ पर आपके सामने, इसमें भाई प्लेयर्स का सिलेक्शन काफ़ी आपको लो देखने को मिले, लेकिन प्लेयर काफ़ी खतरनाक है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है, यहाँ पर देखिए ये तो मैंने बनाई है टीम जो बेस्ट प्लेयर्स है इन दोनों टीम्स के, लेकिन अब इनमें से खेलेगा कौन कौन भाई, अगर तीन चार प्लेयर नहीं खेलते तो उसकी जगह पर किसको लेना, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर डिस्कस करूँगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सी वी सी की यहाँ से बात कर लेते हैं, तो जो कैप्टनसी रहेगी वो एफ जैन को जाएगी। वीसी की बात करें तो भाई यहाँ से ई आशमी को ट्राई कर सकते हो, अरसलन सिद्दीकी को ट्राई कर सकते हो, या फिर वी रेड्डी को तो नहीं ट्राई करेंगे भाई यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आप इजाज अहमद को ट्राई कर सकते हो, ऊपर सहज भट्ट को ट्राई, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बट जो अभी के लिए मेरे को सबसे अलग और सबसे यूनिक लग रहा है वो है भाई फहद खान। फहद खान के एक बार मैं आपको स्टैट्स यहाँ से दिखाता हूँ, और थोड़ा सा भाई आप यहाँ पर देख सकते हो 25 मैच में 22 विकेट और 232 रन भी, तो आप इन्हें जरूर से अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने इसे अपनी टीम का वीसी रखा है, यहाँ से आप टीम का प्रीव्यू देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की टीम रहेगी। बाकी अगर कोई भी चेंजमेंट होता है तो उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो बस दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।